बचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स भयंकर तबाही मचा रहा है। इजरायल के टैंक इलाके में बमों की बारिश हो रही है। इजरायली हमले किस तरीके पर कर रहे हैं और इसका नतीजा आखिर क्या कुछ रहने वाला है, आप इस रिपोर्ट में पूरा मामला समझिए। दक्षिण में रफा, मध्य में जिठों और उत्तर में जबालिया। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स भयंकर तबाही मचा रही है। इजरायल के टैंक इलाके में बमों की बारिश कर रहे हैं। इजरायल का दावा है कि ये वो इलाके हैं जहां हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। इजरायली हमले किस स्तर पर किए जा रहे हैं और इसका नतीजा क्या हो रहा है, इसका ताजा उदाहरण है सिर्फ 24 घंटे में 63 लोग मारे गए हैं। रफा में हमला नहीं करने की अमेरिका की सलाह मानने से इनकार कर नेतन्याहू ने कहर बरपा दिया है। लेकिन रफा तो गाजा के दक्षिण में है। इजरायल दावा कर रहा है कि हमास के आतंकी उत्तरी इलाके जिसमें जबालिया शामिल है भाग खड़े हुए हैं और रफा में ठिकाना बना लिया है। सवाल है, फिर जबालिया में इजरायल ने टैंक क्यों उतार दिए हैं? नेतन्याहू के सामने हमले की पिक्चर क्लियर है। जब इजरायली डिफेंस फोर्स को शंका हुई कि जबालिया में हमले खत्म होने के बाद अब फिर से हमास के आतंकी घुसपैठ करने लगे हैं, तो उसने दोबारा हमला शुरू कर दिया। जबालिया के बारे में डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए। जबालिया गाजा के 8 ऐतिहासिक शरणार्थी कैंपों में सबसे बड़ा है। जबालिया रिफ्यूजी कैंप में करीब 1,00,000 लोग रहते हैं। 1 नवंबर 2023 को इजरायल ने जबालिया कैंप पर हमला किया था। इस हमले में करीब 100 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। उस वक्त भी आम फिलिस्तीनियों पर हमला करने के लिए इजरायल की आलोचना हुई थी। हमास ने कहा कि उसका कोई भी मेंबर कैंप में छिपा हुआ नहीं है, लेकिन इजरायल का तब भी मानना था और अब भी मानना है कि हमास के आतंकी मासूम लोगों की आड़ में ठिकाना बनाकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि एक बार फिर इजरायल जबालिया को जला रहा है। लेकिन जलते गाजा से अलग इजरायल की तस्वीर भी बहुत सुकून देने वाली नहीं आ रही है। पश्चिमी मीडिया में छप रही कई रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में ही युद्ध को लेकर सभी एकमत नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ हर्जी हलेवी बेनामिन की युद्ध नीति को लेकर नाराज हैं। इजरायल को युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं। जिन लोगों के परिजन बंधक हैं वो जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इजरायल में गाजा फंसा हुआ है। बंधकों की जल्दी रिहाई के लिए जितनी भी नेतन्याहू की कोशिशें हैं रंग लाती नहीं दिख रही हैं। और बीतते दिनों के साथ बंधकों के परिजनों का धैर्य जवाब देता जा रहा है। अब सवाल है कि नेतन्याहू के पास युद्ध के अलावा विकल्प भी नहीं है। नेतन्याहू यही कर रहे हैं, इसलिए उन इलाकों में इजरायल फिर से हमले कर रहा है जिसे वो खुद मान चुका था कि यहां से हमास के आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। नेतन्याहू के सामने मुश्किल सिर्फ घरेलू मोर्चे पर नहीं है। गाजा में हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच मुस्लिम देश मिस्र ने इजरायल के खिलाफ दुनिया की सर्वोच्च अदालत में जाने का फैसला किया है। मिस्र ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल के खिलाफ दायर दक्षिण अफ्रीका के मामले में समर्थन के लिए हस्तक्षेप करेगा। कि ये नहीं बताया गया कि ये हस्तक्षेप किस प्रकार का होगा। मिस्र ने इससे पहले इस मामले में अपनी दलीलें पेश की हैं।
मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचने से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुश्किल पड़ सकती है, खास तौर पर जब रफा में अभियान के उनके फैसले को लेकर दुनिया में विरोध बढ़ रहा है। इजरायली मीडिया पोर्टल यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने कहा है, गाजा पर इजरायल के हमलों में नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना, बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और जबरन विस्थापन के चलते गाजा में अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा हो गया है। ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय कानून और युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में 1949 के चौथे जिनेवा कन्वेंशन का घोर उल्लंघन है। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कहा है कि 15 लाख लोगों के लिए रफा के अलावा भागने के लिए कोई जगह नहीं है। गाजा का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। अगर रफा को इसी तरह नष्ट कर दिया जाता है तो इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी जीवन के बच पाने की बहुत कम संभावना होगी। लेकिन इजरायल इस तरह की अपील और दलील बहुत पहले ठुकरा चुका है और जिस लेवल पर गाजा पर टूट रहा है उसे देखकर नहीं लगता कि फिलहाल रुकने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 35,000 से अधिक हो गई है और कहां जाकर रुकेगी खुद नेतन्याहू नहीं जानते।